गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास वन इंग्लिश बुक का पेज नंबर 76 जिम्मी क्रो रीडिंग करेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में ये इसका बुक रीडिंग किए थे, आज चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। जिम्मी क्रो मतलब क्या है? ये एक कौवा का नाम है जिम्मी क्रो, ठीक है। देखो मैं रीड कर रही हूँ। देखो, वन डे जैक वाज स्पीकिंग बेरीज इन द फील्ड, ही सॉ ए बेबी क्रो हॉपिंग इन द बुशेस, द लिटिल क्रो वाज हर्ट इन वन लेग। वन डे क्या हुआ, इसका नाम है जैक, ठीक है। जैक क्या कर रहा था, बेरीज तोड़ने के लिए फील्ड में गया था। बेरीज मतलब बेर, ठीक है। ही सॉ ए बेबी क्रो हॉपिंग इन द बुशेस, उसने देखा कि एक बेबी क्रो ये इसका भूसे से यहाँ से नीचे गिर गया था। द लिटिल क्रो वाज हॉट इन वन लेग, एक क्रो के एक लेग में चोट आ गई थी, ठीक है। ही हैड फॉलन फ्रॉम द नेस्ट, ये नेस्ट से नीचे गिर गया था। ये बेबी क्रो नेस्ट से नीचे गिर गया था तो उसके एक लेग में चोट आ गई थी, ठीक है। ही वॉज टू यंग टू फ्लाई, वो अभी बहुत छोटा था उड़ने के लिए, ठीक है। वो बड़ा क्रो होगा तो चोट लगने से भी उड़ जाता है, लेकिन ये बहुत छोटा था उड़ने के लिए। जैक वांटेड टू हेल्प द क्रो, ही कैरीज द बेबी क्रो होम इन हिज बेरी बास्केट। देखो, ये जैक ने देखा इसको, ये क्रो को, तो इसको उठाया और इसकी मदद करने की सोची। और क्या क्या, जो पेरिस बास्केट था उसमें इस क्रो को उठा के अपने घर पे लाया, ठीक है। ही कैरीड द बेबी क्रो होम इन हिज बेरी बास्केट, घर पे लाया। देन ही टूक ए हमर नेल एंड सम वुड, हमर मतलब उसने एक हथौड़ा लिया और कुछ कूड़ मतलब लकड़ी। ही बिल्ड ए केस टू सेव द बेबी फ्रॉम बेबी क्रो फ्रॉम द कैट एंड द डॉग, उसने एक क्या बनाया, केज मीन्स क्या है, पिंजरा। उसने एक पिंजरा बनाया उस बेबी क्रो के लिए, ठीक है। क्यों बनाया, क्योंकि वो बेबी क्रो बाहर रहेगा तो उसको कैट और डॉग खा जाएंगे। कैट और डॉग से सेफ रखने के लिए उसने एक पिंजरा बनाया, केज मतलब पिंजरा, ठीक है। ही नेम्ड हिज न्यू पेट जिम्मी क्रो, और उसका नेम रख दिया जिम्मी क्रो, न्यू पेट उसका जिम्मी क्रो, ठीक है। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।